वो साइकिल वाली हमारी गाड़ी से आगे निकल गई। आज अंजलि की सगाई है ना, हमें जल्दी पहुंचना चाहिए ना, लेकिन वो साइकिल वाली हमारी गाड़ी से आगे जा रही है। ये तू जानबूझ के कर रहा है ना, मुझे मालूम है तू जानबूझ के कर रहा है। तू नहीं चाहता कि अंजलि और मैं एक हो जाए। अबे वहां पहुंच के क्या उखाड़ लेगा तू? हाँ सेरेमनी तो वैसे ही खत्म होने वाली है। तुझे पता भी है कि अंजलि तुझसे प्यार करती है या नहीं? हाँ ये तो बात है यार। और वहां इतने सारे लोग भी तो होंगे, अंजलि का भाई भाभी, उसका होने वाला हस्बैंड, उसके माता पिता। जब इतने साल तक तू उससे अकेले में कुछ नहीं कह पाया तो इन सबके सामने क्या बोलेगा? हाँ क्या बोलेगा? ओए क्या बोलेगा? बोलूंगा मैं। क्या? आज बोलूंगा, यही बोलूंगा कि अंजलि, अंजलि तुम मेरी प्रेरणा हो, प्रेरणा हो। अंजलि तुम मेरी पूजा हो, पूजा हो। अंजलि तुम मेरी पराठा हो। अब तू रहने दे यार, मैं बोल लूंगा। तो फिर बोल। बोलता हूँ अंजलि, मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर है, ख्वाबों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अंजलि प्लीज मेरे प्यार को मत ठुकराना, मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ, प्यार करता हूँ, और यहाँ तक कि अंजलि हमारा ब्लड ग्रुप भी सेम है। वाह क्या स्टाइल है यार, तू तो मुझसे भी आगे निकल गया यार। तेरे स्टाइल को देख कर ना अंजलि सारी दुनिया छोड़कर तेरे कदमों में गिर पड़ेगी। मानता है मुझे? मानता हूँ भाई, मानता हूँ मेरे प्यार के पुजारी, आज तक कोई नहीं रोक सकता। तेरे चेहरे की चमक तो देख। अरे ये तो अंजलि के प्यार की चमक है, कोई ऐसी वैसी चमक नहीं है भाई। अबे बेवकूफ, ये शेविंग फोम की चमक है। क्या अभी वो खेल खिला? जरा साफ कर ले वरना तुझे इस हालत में देखेगी ना तो अंजलि भाग जाएगी। अच्छा तू गाड़ी चला, जल्दी चला, आज नहीं तो उसकी सगाई हो जाएगी। रुक 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 रुक, बस बस है? इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? एंगेजमेंट हो गई क्या उसकी? राज तूने बहुत देर कर दी मेरे यार। अंजलि, अंजलि को बताने में भी और यहाँ आने में भी। शक्ल अच्छी ना हो ना, बातें अच्छी किया कर। अबे तेरी तो मारूंगा अभी तो। अंजलि लगता है वो चली गई। चलना ले, आ गई। राज क्यों चीख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? अंजलि सच बताओ, तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई? एंगेजमेंट? उंगलियां बताओ अपनी, बताओ। ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी उंगलियों में एंगेजमेंट की रिंग ढूंढ रहा है। एंगेजमेंट? पैरों की भी चेक कर ले। किसने कहा मेरी एंगेजमेंट हो रही है? किसने कहा मुझसे? करण तुमने झूठ क्यों बोला? अगर मैं झूठ नहीं कहता तो ये सच कैसे कहता? कौन सा सच? इसी के मुँह से सुन लो। अब इसको बकवास करने की आदत है, तू तो जानती है इसको। अबे तू पागल? अबे क्रिकेट इतनी जल्दी पलट गया, दिमाग खा गया गाड़ी में बक बक के। मैंने क्या बोला गाड़ी में तुझे? अंजलि के बारे में? अंजलि के बारे में? मेरे बारे में? हाँ। मेरे बारे में क्या कहा बोलो ना। ये कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था। पागल हो गया तू? इसको तो मजाक करने की आदत, बकवास कर रहा तू। चल तुझे बताता हूँ तुझको। मुझे क्या बताएगा, इसे बता। इसको क्या बताऊँ मैं? यही की क्या बताना है? मैं बताता हूँ। अरे तू चल मेरे, बोलो ना। चल पागल है, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? अंजलि मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर है, ख्वाबों में तुम हो। ये कब तूने रिकॉर्ड किया? जब तू बक रहा था। समझा करो राज, देर हो चुकी है, भैया को क्या जवाब दूंगी? अरे भैया से कह देना कि मैं राज के साथ हूँ, और जब भी मैं राज के साथ रहती हूँ तो वक्त वहीं का वहीं थम जाता है। जी करता है कि बस उसके सीने से लगी रहूं, एक पल भी उसके बिना रह नहीं सकती। बल्कि आज तो उसने मुझे एक सवाल भी किया। कैसा सवाल? सवाल विल यू मैरी मी? क्या विल यू मैरी मी? थैंक गॉड तुमने ये सवाल कर दिया, नहीं तो मुझे लगा जैसे तुमने अपने प्यार का इजहार लेट किया था। वैसे भी तुम शादी बुढ़ापे में ही प्रपोज करोगे। नाउ दैट्स फनी, दैट्स रियली फनी। अच्छा मजाक बहुत हो गया, बताओ विल यू मैरी मी? अरे भैया जवाब दो। भैया से इजाजत ले लो, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। अब तुम्हारे भैया के पास तो हमारे करण भाई साहब भी जाएंगे। करण? ये लड़कियाँ घुमाने का मामला नहीं है। अरे हाँ लड़कियाँ घुमाने का मामला नहीं है, काश तुम्हारे भैया लड़की होते। अरे लेकिन तुम्हारे भाभी तो है, उससे बात कर ले, क्या ख्याल है? राज अरे कहीं मरवा ना दे ये करण कसम से। हाय आई मीन नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते भाभी। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ कहीं आप कुछ बात करना चाह रहे थे? हाँ बात करनी थी मुझे। जी हाँ, फोन पे आपने कहा था कि कुछ जरूरी बात है।
करनी थी अंजलि के बारे में। अंजलि के बारे में क्या बात करनी थी? वो जवान हो गई है ना? क्या? नहीं मेरा मतलब बड़ी हो गई है। आपको ना एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो तुम्हें अंजलि पसंद है? अरे अंजलि को कौन पसंद नहीं करता, वो तो है ही इतनी अच्छी। बस जिस लड़के से उसकी शादी होगी ना, he'll be a very lucky boy। तो साफ साफ कहो ना कि तुम अंजलि से शादी करना चाहते हो। बस आप हाँ कर दें। नहीं नहीं मैं नहीं, वो तो मैं अंजलि की राज से शादी की बात कर रहा हूँ। राज? राज? हाँ राज। राज और अंजलि एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। प्यार से लम्हे गुजरते हैं करण, जिंदगी नहीं कटती। शादी के बाद राज करेगा क्या? वही जो अब तक कर रहा है। यू मीन नथिंग? और करने की जरूरत भी क्या है? काम तो वो करते हैं ना जिन्हें पैसों की जरूरत हो। आप तो जानते ही हैं, जो मेरा है वो सब राज का भी है। करण सिर्फ इतना सोचो, कल जब उसका परिवार पड़ेगा हाँ। और जब उसके बच्चे उससे पूछेंगे कि पापा आप करते क्या है हाँ। तो वो क्या जवाब देगा? दोस्ती, कोई नौकरी, परमानेंट इनकम तो होनी चाहिए। शादी के बाद उसका कम से कम अपना एक घर हो जहाँ वो अंजलि को रख सके। एक्चुअली यू आर राइट, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मगर आपने कह दिया ना, तो घर, नौकरी, परमानेंट इनकम, ये सब हो जाएगा। Well, this is a very, very impressive data. I'm thoroughly impressed. See to it that you give me a detailed report about the proceedings. Good morning, Dad. Good morning. Sure. This is a surprise. तुम और ऑफिस में? हाँ, Dad. मैं और ऑफिस में। मैंने डिसाइड कर लिया आज से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। अचानक? ये बदलाव कैसे? राज, Dad. उसने मुझे बहुत समझाया कि अब मुझे अपनी लाइफ सीरियसली लेनी चाहिए। अपने काम और अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। Thank God. I'll personally thank Raj for this. Dad, मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी भी फैसले में किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। Anything you say, son. तो Dad, मैंने एक फैसला कर लिया है। आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। करण ये। Dad, come on, please. Thanks, Dad. Just a minute. कहाँ जा रहे हो? ये पेपर साइन करवाने आए थे क्या? नहीं डैड, वो क्या है कि मैंने आज से ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मैं रिज्यूम करूंगा राज की शादी के बाद में। राज की शादी कब है? बस जल्दी आपको कार्ड मिल जाएगा। ओके डैड। ये नहीं सुधरेगा, हर जगह राज को बीच में ला के खड़ा कर देता है। हमारी दूसरी कॉफी खत्म होने जा रही है, हमारे करण माश ही नहीं आए। राज, time to celebrate, my friend. ये क्या? Your appointment letter. किसने दिया? Dad ने. जरूर pressurize किया होगा तूने. No way, man. वो तो मेरे पीछे पड़ गए थे. जिस तरह तूने भरूचा का case handle किया ना, he was highly impressed by him. बस, तुझे कंपनी का PR appoint कर लिया है. You know, he needs talented people like him. 50,000 रुपए की तनख्वाह, बंगला और कार भी. Thanks, Karan. He deserves it. My friend deserves it. अच्छा, बताओ तुम शादी कब कर रहे हो? जब कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। And what's your definition of a good girl? जिसे देखते ही नजरें किसी और को ना देखें, दिल जोर जोर से धड़के और आंखों में एक चमक सी आ जाए। लो, चमक आ गई तुम्हारी आंखों में। चली गई। आ जा जा पीछे, भाग 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 उसको पकड़। अबे मजाक मत कर यार। तूने उसकी गाड़ी का नंबर देखा? हाँ लिया ना मैंने उसकी गाड़ी का नंबर। तो बता ना। हाँ मैं तो ट्रैफिक हवलदार हूँ ना, जो पेड़ों के पीछे बैठ के छिपके नंबर लिखता हूँ। पागल हो गया? नंबर लिख रहा हूँ बैठ के। कमीने। बोल। तुझे तेरी दुल्हनिया मिल गई है ना? कोई बात नहीं, मुझे मेरी दुल्हनिया दिख गई है।